ये बहुत गरीब था मुनव्वर, इनके घर पे एक रोटी नहीं थी लेकिन बनाने वाली तीन चार थी। एक और विनर इज रात 10 बजे। मुनव्वर यार, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है और मुझे लगता है तुम उस सीमा को भी पटा सकते हो। गाइस, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, मन्नारा चोपड़ा, अंकिता लोखंडे और अरुण मास शेट्टी बिग बॉस 17 के ग्रैंड फिनाले तक का सफर तय करने में कामयाब रहे। अब इनमें कौन सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो की ट्रॉफी और प्राइज मनी अपने घर ले जा पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। हर कंटेस्टेंट अपना पूरा जोर लगा रहा है और बाहर फैंस भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को जिता सके। इन कुछ महीनों के दौरान खिलाड़ियों के घर के भीतर कई अच्छे बुरे पल बिताए। चलिए जानते हैं कि बिग बॉस 17 के कुछ सबसे यादगार पलों के बारे में जो कि काफी चर्चा में रहे। बिग बॉस 17 में हाथापाई करना और घर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना मना है। ऐसा करने पर बिग बॉस कड़ी कार्रवाई करते हैं और खिलाड़ी भी ऐसा करने से बचते ही हैं। लेकिन बिग बॉस 17 में उस वक्त सब शॉक्ड रह गए जब अभिषेक कुमार ने समर्थ जुरियल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ी। इस एक थप्पड़ को लेकर कई दिनों तक चर्चाएं चली थी लेकिन फाइनली मेकर्स अभिषेक को बेकसूर मानकर वापस ले आए और सलमान खान ने भी उल्टा समर्थ ईशा को ही लताड़ा। अंकिता की सास ने खूब किया तमाशा। बिग बॉस 17 के सबसे यादगार और विवादित पलों में अगर अंकिता लोखंडे की सास का नाम ना आए तो यह लिस्ट अधूरी रहेगी। अंकिता लोखंडे की सास ने बिग बॉस में आकर और बाहर मीडिया के सामने अपनी बहू अंकिता की खूब बुराई की। अंकिता की सास को इस बात पर आपत्ति थी कि उन्हें नेशनल टीवी पर विकी को चप्पल मारा और उनके साथ बदतमीजी की। इस सीजन में अंकिता की सास काफी चर्चा में रही और उन्होंने कई बार मीडिया में जाकर बयान दिए जिन पर सुर्खियां भी बनी। अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बीच बिग बॉस 17 की शुरुआत से ही खूब झगड़े हुए। कई बार तो लोगों ने उन पर फेक झगड़े करने के आरोप तक लगा दिए कि कपल सिर्फ लाइमलाइट लेने के लिए झगड़ते रहता है। लेकिन बिग बॉस 17 में अंकिता विकी की वो फाइट काफी चर्चा में रही जब दोनों के बीच मामला काफी बढ़ गया था। बात तलाक तक पहुंचती दिखाई पड़ी लेकिन बाद में सब कुछ शांत हो गया। समर्थ की एंट्री और ईशा का इनकार। बिग बॉस 17 में ईशा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रही है। वह शुरू से ही खुद को सिंगल बताती रही और कहा कि अभिषेक से अलग होने के बाद उनकी जिंदगी में कोई नहीं है। लेकिन जब घर में समर्थ की एंट्री हुई और उन्होंने खुद को ईशा का बॉयफ्रेंड बताया तो सभी सन्न रह गए। ईशा काफी वक्त तक समर्थ के साथ रिश्ते में होने से इनकार करती रही लेकिन फिर उन्होंने मान लिया कि वह और समर्थ वर्तमान में भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। आयशा ने मुनव्वर पर गंभीर आरोप। एक तरफ जहां समर्थ ने बिग बॉस 17 में आकर ईशा की सच्चाई सबके सामने ला दी, उसी तरह आयशा ने भी मुनव्वर फारूकी की निजी जिंदगी के चैप्टर सबके सामने खोले। बिग बॉस 17 में आयशा की एंट्री के बाद मुनव्वर फारूकी की इमेज को जहां नुकसान हुआ तो वहीं उन्होंने माफी मांगकर चीजों को खत्म करने और आगे बढ़ने का फैसला लेकर सभी को इम्प्रेस भी कर। समर्थ का नेशनल टीवी पर इंटीमेट होना। ईशा और समर्थ बिग बॉस हाउस में कई बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते दिखाई पड़े। नेशनल टीवी पर दोनों का बार बार क्लोज आना और लिपलॉक से बेली और गले पर किस करने की क्लिप खूब वायरल। अजीला ने लाइव आकर किया ब्रेकअप। मुनव्वर फारूकी की जिंदगी में भूचाल तो तभी आ गया था जब आयशा खान के घर में एंट्री हुई लेकिन इसके बाद बाहर भी तमाशा कम नहीं हुआ। बार बार शो में अपने नाम आने और उनके नाम पर हो रही चर्चाओं को वजह बताकर नाजिला ने लाइव स्ट्रीम पर मुनव्वर के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। अंकिता लोखंडे का प्रेगनेंसी टेस्ट वायरल। बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे का प्रेग्नेंट होना भी चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें उड़ी। इसके अलावा कपल का वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि विकी ने अंकिता लोखंडे पर हाथ उठाया है। हालांकि बाद में दोनों ने इस बारे में सफाई दी जिसके बाद मामला शांत हुआ।